Hi friends, welcome to my YouTube channel Intech Computer Education Patna. Friends, आज हम जानेंगे Microsoft Word में watermark, border और page border क्या होता है. तो आइए सबसे पहले हम Microsoft Word को ओपन करते हैं. स्टार्ट और Microsoft Office एंड देन क्लिक Microsoft Word 2007. एंड Microsoft 2007 ओपन होते ही सबसे पहले हम ये जानेंगे पेज लेआउट में वाटरमार्क क्या है, पेज कलर क्या है और पेज बॉर्डर क्या होता है. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वाटरमार्क क्या होता है. वाटरमार्क वो टेक्स्ट होता है जिसको लिखने के बाद उसके ऊपर से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो टेक्स्ट उसी मैटर के साथ इंक्लूड होकर आपके प्रिंट आउट के साथ बाहर आएगा. तो सबसे पहले वाटरमार्क बनाने के पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट में हम एक मैटर टाइप करते हैं इक्वल टू रैंड RAND और शिफ्ट को दबा कर 9 वाला बटन को दबाते हैं, ब्रैकेट आ जाता है और मेरे को 5 पैराग्राफ पे प्रैक्टिकल करना है. 5 पैराग्राफ लिया, 0 को दबा कर ब्रैकेट को बंद करके और इंटर मारते हैं. अब देखिए यहाँ पर 5 पैराग्राफ हमारे पेज पर डिस्प्ले हो रहे हैं. अब हम वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड वाटरमार्क के ऑप्शन है. जैसे मान लीजिए अगर हमें कॉन्फिडेंशियल ही लिखना है तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल को टिक क्लिक कर देते हैं. अब देखिए पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे शो कर रहा है. अगर हमें कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखना है और हमें अपना कुछ मैटर टाइप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं. तो सबसे पहले वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाएंगे, रिमूव वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंशियल पहले का लिखा हुआ मैटर था वो हट जाए. इसके बाद फिर से वाटरमार्क के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे टैप करेंगे. जैसे ही कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं एक पॉपअप मेनू मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है जिसमें दो ऑप्शन होता है, एक पिक्चर वाटरमार्क दूसरा टेक्स्ट वाटरमार्क. ये जो गोल ऐसा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है इसको बोलते हैं रेडियो बटन. और फ्रेंड्स अगर हमें टेक्स्ट वाटरमार्क में कोई मेटा टाइप करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क को जैसे ही टेक्स्ट वाटरमार्क वाला रेडियो बटन को क्लिक करते हैं ये पूरा का पूरा टॉपिक हाईलाइट हो जाता है. अगर हमें टेक्स्ट टाइप करना है, मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट टाइप करना है इंटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंटेक. और यहाँ पे कलर का स्कीम है, अगर कलर हल्का है मेरे को डीप में कलर चाहिए या इससे भी ज्यादा डीप चाहिए तो आप कलर का डीप या लाइट में आप सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं. और यहाँ पे हम अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे आप देखिए इंटेक कंप्यूटर एजुकेशन का ये मैटर वाटरमार्क के रूप में आपके पेज पर डिस्प्ले कर रहा है. अगर हमें ये देखना हो कि इसका प्रिंट आउट जब निकालेंगे तो ये दिखने में कैसा दिखेगा तो इसके लिए आप ऑफिस बटन के ऑप्शन को क्लिक करें, प्रिंट के ऑप्शन पर टैब रखें और प्रिंट पर व्यू वाला ऑप्शन को क्लिक करें. क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है वो प्रिंट होकर इस तरह से आएगा. क्लोज करने के लिए एस्केप दबाते हैं, वापस फिर उसी जगह पे चले आते हैं. फ्रेंड्स एक तो तरीका ये है कि आपने इंटेक कंप्यूटर एजुकेशन का ये मैटर टाइप किया और इस पेज के बैकग्राउंड में ये मैटर शो करने लगा. अगर हमें इसके टेक्स्ट में कोई बदलाव करना है
या इसके फॉन्ट स्टाइल में कोई किसी तरह का परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी वाटरमार्क के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाएंगे। समझ कीजिए हमें फॉन्ट का ऑप्शन को में कोई बदलाव लेना है, जैसे यहाँ पे अभी कैलिब्रा लिखा हुआ है, हमें कॉपर ब्लैक लेना है। तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप जाएं और आप देखेंगे कॉपर ब्लैक का एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दें और अप्लाई कर दें। आप देखिए पूरा का पूरा मैटर का जो फॉन्ट है ये फाइनली बदल गया और ये एक अलग फॉन्ट में ये पूरा का पूरा मैटर इंडिकेट करने लगा। फ्रेंड्स, अगर इसके साइज में भी किसी तरह का कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए भी हमें वाटरमार्क के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना होगा, कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे जो साइज ऑटो है इसको आप अपने ढंग से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को 40 साइज में चाहिए, अप्लाई कीजिए, देखिए 40 और बड़ा हो गया। मेरे को अपने ढंग से इसका साइज सेट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को 36 करना है, अप्लाई कीजिए, थोड़ा कम हुआ, और ज्यादा करना कम करना है, मान लीजिए मेरे को 20 करना है तो आप यहाँ पे 20 टाइप कीजिए और इंटर मार दीजिए। अब देखिए पूरा का पूरा फॉन्ट का साइज भी आपके अनुसार, आपके काम के क्राइटेरिया के अनुसार चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पे जाते हैं कि अगर यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का लोगो या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बैनर का फोटो अगर यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाना होगा, रिमूव वाटरमार्क के ऑप्शन को क्लिक करना होगा ताकि पहले का जो वाटरमार्क है वो खत्म हो जाए। रिमूव वाटरमार्क के ऑप्शन को हमने क्लिक किया और पहले का ये पूरा का पूरा वाटरमार्क खत्म हो गया। अब हमें अगर इसमें कोई टेक्स्ट के जगह पे कोई फोटो अगर इसमें इसके बैकग्राउंड में अगर हमें लगाना है तो उसे कैसे लगाएंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। फोटो लगाने के लिए सबसे पहले हमें वाटरमार्क के ऑप्शन को फिर से क्लिक करना होगा, फिर कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाना होगा। इसके बाद आप जहाँ पे नो वाटरमार्क का ऑप्शन लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे आप देखिएगा पिक्चर वाटरमार्क का एक ऑप्शन दिया हुआ है। पिक्चर वाटरमार्क के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसके रेडियो बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके रेडियो बटन को क्लिक करते हैं ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से यहाँ तक का पूरा टॉपिक हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद पिक्चर वाटरमार्क के ठीक नीचे सेलेक्ट पिक्चर का एक ऑप्शन आता है, इस सेलेक्ट पिक्चर के ऑप्शन को आप क्लिक करें। ये हमारे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव से लिंक कराएगा। अगर मेरा फोटो डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप का सिलेक्शन करेंगे कहां से हमें फोटो लेना है, और ये फोटो को अगर हमारे बैकग्राउंड पे लगाना है तो यहाँ पे ये फोटो को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और अप्लाई करके आप यहाँ पे ओके करते हैं, पूरा क्लोज करते हैं, पूरा का पूरा मैटर आपका आ जाता है। आप ये फोटो में देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोटो का जो लाइट है बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये बहुत हल्का लाइट है, तो इसको डीप कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए वाटरमार्क ऑप्शन को फिर से क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे जो वॉशआउट का ऑप्शन चेक किया हुआ है इसको चेकआउट कर देंगे। चेकआउट करके अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिए पूरा का पूरा ये जो आपका फोटो है ये पूरा डीप में हाईलाइट होने लगा। सिलेक्शन में यहाँ पे स्केल्स में ऑटो दिया हुआ है, अगर आपको ये जो फोटो है इसका अगर साइज को कम किया जाने करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मेरे को 50% पर रखना है 50% पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे 50% और बड़ा हो गया। अगर मेरे को 20% पे रखना है तो आप कीबोर्ड से 20 लिखकर इंटर मार दें, 20% पे आ जाएगा। आप अपने जरूरत के अनुसार इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें वाटरमार्क हमने एक पेज पे लिया है
और अगर हमें चाहिए कि इस फाइल में वाटरमार्क का सबसे बड़ा फायदा भी यही होता है कि आपने आपके एक पेज पे आपका ये मैटर आया है और इस फाइल में जितने भी सारे पेजेस इंसर्ट होंगे सभी पे ये मैटर आता जाएगा। जैसे हम इसके साथ कुछ और पेज ऐड करते हैं, हम मैटर टाइप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये पेज इंसर्ट हो रहा है, मैटर टाइप कर रहे हैं पेज इंसर्ट हो रहा है और आप हमारे फाइल में तीन पेजेस आ गए हैं जो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है और हम तीन नंबर वाले पेज पे हैं और ये तीनों नंबर वाले पेज पे सेव वाटरमार्क इंडिकेट कर रहा है। तो ये है वाटरमार्क जिसके माध्यम से हम अपना ब्रांड का लोगो या ब्रांड का नाम लिखकर उसके ऊपर में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये वाटरमार्क का एक खूबी है।